हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की LT 6 से भर्ती की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर LT 6 को कोई नई वैकेंसी निकाली गई है। पिछले बार आपको यहाँ पर जो है आवेदन करना है, किस तरह का करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट, जो कि यहाँ पर LT 6 की नई वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन से विषय हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय जूनियर हाई स्कूल टिवड़ी भाद्राबाद हरिद्वार, तो यहाँ पर निकल के आ रखी है वैकेंसीज। इसके लिए आपको आवेदन करना है। सहायक अध्यापक की पोस्ट है, टोटल चार पोस्ट है। आपका 44,900 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि LT ग्रेड में जो रहती है आपकी सेम है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर हिंदी विषय की, अनुसूचित जाति की निकल के आ रखी है, मैथ्स की निकल के आ रखी है, इसमें गणित के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी के अनारक्षित के लिए निकल के आ रखी है, गणित की भी अनारक्षित की है, और अनुसूचित जाति के यहाँ पर हिंदी के लिए है, और सामाजिक अध्ययन के लिए यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर अनारक्षित के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो है बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यूटेट सेकेंड होना कंपलसरी है, बीएड होना कंपलसरी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन पर जो है आपकी जो हिंदी के लिए है, आपके पास इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके संस्कृत होना चाहिए, हिंदी के साथ साथ तो ही अप्लाई कर पाओगे। PCM ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूटेट सीटेट सेकेंड में से कोई भी आपके होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, अंग्रेजी भी आपका यहाँ पर सेम है, यूटेट या सीटेट सेकेंड होना चाहिए। और SST में आपके पास यहाँ पर जो इतिहास है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है, और ठीक है, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी प्राइमरी शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार की कार्यालय पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको पंजीकृत डाक द्वारा फॉर्म फिल करना है, ये ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिल होगा। और इसमें आपको टॉप 7 लिस्ट आपकी बनती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ये आपके शासकीय स्कूल की भर्ती है, जिसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए बोला गया है। तो इसकी अगर लास्ट डेट अगर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 27 से पहले पहले, ठीक है, 27 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना है। ठीक है, तो उससे पहले पहले जरूर आप आवेदन कर लें, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर।